स्टडी आई क्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी आई क्यू के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्ट्रॉन्ग नेशंस हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। दोस्तों, ये सदियों पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत जितनी सच सदियों पहले हुआ करती थी उतनी ही सच आज भी है। आज भी कॉन्फिडेंट कंट्रीज अपने फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड देखती हैं। ह्यूमन सोसाइटीज ने जब से खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, डिफेंस उनकी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। आज की कहानी भी उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, उल्टा आज तो ये हर कंट्री के लिए और भी ज्यादा क्रूशल हो चुका है। पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर ईस्ट की ओर शिफ्ट हुआ है। इंडो पैसिफिक वर्ल्ड लेवल पर एक जियोपॉलिटिक्स का नया सेंटर बनकर उभरा है। एक्सपेंशनिस्ट चाइना के साथ दुनिया भर के देश अलग अलग फ्रंट्स पर टेंशंस और कंपटीशन फेस कर रहे हैं। जाहिर है कि इसके चलते इंडिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट रेडिकली ट्रांसफॉर्म हुआ है। इन सभी इवेंट्स ने इंडिया को उसके पाकिस्तान सेंट्रिक ट्रेडिशनल आउटलुक से बियॉन्ड जाकर अपने रीजनल सिक्योरिटी आउटलुक को ब्रॉडन करने के लिए पुश किया है। उसी के साथ ग्लोबल लेवल पर इंडिया की बढ़ती पोजीशन और इस रीजन का बदलता सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एक नए डिफेंस पोस्चर की डिमांड कर रहा है, जिसका एक क्लियर इंपैक्ट आज हमें इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेटजीज, उनकी टैक्टिक्स और ऑपरेशंस पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों सेगमेंट की ऐसी कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, UPSC प्रीप्लस मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, UPSC की आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा, जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18th ऑफ अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। दोस्तों, जब भी बात इंडियन आर्मी की स्ट्रेटजीज की होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो है कोल्ड स्टार्ट। आपको बता दें कि इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जर्मन आर्मी की ब्लिट्सक्रीग डॉक्ट्रिन से इंस्पायर्ड है। ब्लिट्सक्रीग का मतलब है लाइटनिंग वॉर। इसमें जर्मन आर्मी अनबीटेबल स्पीड और ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ एनिमी पर एक सरप्राइज अटैक किया करती थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के शुरुआती 2 सालों में जर्मन आर्मी की मैसिव विक्ट्रीज का श्रेय ब्लिट्सक्रीग को ही दिया गया है। जर्मनी ने इसी डॉक्ट्रिन का यूज करते हुए पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, फ्रांस और ग्रीस को ढेर किया। इसी कारण दुनिया के मिलिट्री कॉरिडोर्स में ये डॉक्ट्रिन बहुत तेजी से पॉपुलर हुई। इंडिया समेत दुनिया भर के कई देशों ने इसको अपने यहाँ अडॉप्ट किया, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने से पहले हमारे लिए इंडिया की सुंदर जी डॉक्ट्रिन समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस डॉक्ट्रिन को सटीक रूप में इंडियन आर्मी ने 1984 से 2004 तक पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय किया। दोस्तों, ज्यादातर आर्मीज में 2 तरह के कोर होते हैं। पहली होती है होल्डिंग कोर, जो एक जगह को डिफेंड करती है, और दूसरी होती है स्ट्राइक कोर, जो एनिमी के अगेंस्ट स्ट्राइक करती है। इस डॉक्ट्रिन के तहत इंडियन आर्मी के 7 डिफेंसिव होल्डिंग कोर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय किए जाएंगे। इनके पास लिमिटेड ऑफेंसिव पावर होती है, जबकि 3 स्ट्राइक कोर मथुरा, अंबाला और भोपाल में पाकिस्तान से कोसों दूर बनाए गए, जो अपनी मैकेनाइज्ड आर्मर्स और आर्टिलरी की मदद से बैटलफील्ड पर जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देती है।
इस डॉक्ट्रिन का अंडरलाइंग आइडिया ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कभी वॉर छिड़ जाता है तो जब तक बॉर्डर पर मौजूद होल्डिंग कोर पाकिस्तान के अटैक को कंटेन करेंगे तब तक स्ट्राइक कोर राजस्थान की साइड से पाकिस्तान टेरिटरी में पेनिट्रेट करके उसकी स्ट्राइक कोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये डॉक्ट्रिन इंडियन पार्लियामेंट पर हुए टेररिस्ट अटैक में बुरी तरह फेल हुई। वो क्यों, आइए देखते हैं। बाद 13 दिसंबर 2001 की AK-14 ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल्स और एक्सप्लोजिव्स के साथ लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 टेररिस्ट ने इंडियन पार्लियामेंट को अटैक किया। इन 5 टेररिस्ट को तो मार दिया गया लेकिन इस अटैक में इंडिया के 9 सिक्योरिटी पर्सनल्स और एक गार्डनर भी शहीद हो गया। अब इसमें तो कोई शक नहीं था कि इसके पीछे पाकिस्तान का सीधा हाथ है। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोएर्सिव डिप्लोमेसी को अडॉप्ट किया और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन पराक्रम की। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। यह जाहिर है कि पाकिस्तान ने इंडिया के रिस्पांस को पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उसने इंडिया से पहले ही अपने फोर्सेस को बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिया। अगले कई महीनों तक इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर्स पर एक दूसरे के अगेंस्ट डटी रहीं और फाइनली दोनों ने अपनी फोर्सेस को पीछे बुला लिया। यहां डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया इस इनिशिएटिव को सीज करते हुए इस समय बहुत कुछ कर सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर पाया। असल में इंडियन आर्मी की होल्डिंग कोर को मोबिलाइज होने में 72 से 96 आवर्स का समय लग गया। वहीं इसकी तीनों स्ट्राइक कोर यानी वन कोर जो मथुरा में है, दो कोर जो अंबाला में है और 21 कोर जो भोपाल में है, इनको स्ट्राइक करने के लिए ऑपरेशनल एरियाज तक पहुंचने में 3 हफ्तों का समय लग गया। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने नेशनल टेलीविजन पर जाकर इन अटैक्स को कंडेम कर दिया। उन्होंने दुनिया के आगे ये प्रॉमिस किया कि पाकिस्तान टेरिटरी कभी भी टेरर का बेस बनने नहीं दी जाएगी। इंडियन आर्मी की डिले की वजह से पाकिस्तान को अपनी फोर्सेज को मोबिलाइज करने के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिप्लोमेटिक प्रेशर को रिड्यूस करने का भी टाइम मिल गया। वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने यूएन के थ्रू इंटरवीन किया और इंडिया के ऊपर स्ट्राइक्स लॉन्च ना करने का डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड किया। असल में यूएसए उस समय अफगानिस्तान में इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए उसको पाकिस्तान के सपोर्ट की बेहद जरूरत थी। यानी कुल मिलाकर अब इंडिया के पास पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्राइक लॉन्च करने का कोई पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था। दोस्तों किसी भी वॉर में दो चीजें बहुत क्रूशल रोल प्ले करती हैं, पहली उस अटैक को लेकर पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन और दूसरी सरप्राइज फैक्टर। और इंडिया अपनी सुंदरजी डॉक्ट्रिन के कारण दोनों फ्रंट्स पर फेल हुआ। इस टेररिस्ट अटैक के बाद 3 बातें क्लियर हो गई। पहली ये कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की कन्वेंशनल वॉर डॉक्ट्रिन शॉक या फिर सरप्राइज एलिमेंट लैक करती है। दूसरा ये कि बॉर्डर रीजन्स में होल्डिंग कोर की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। और तीसरा ये कि इंडिया की स्ट्राइक कोर के ह्यूज साइज की वजह से उनको डिप्लॉय करने में बहुत टाइम लग जाता है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस बेहद स्लो, कंबर्सम और इनएफेक्टिव हो जाता है। 21st सेंचुरी में इंडियन आर्मी को ऐसी फोर्स चाहिए जो लाइटनिंग स्पीड से एनिमी पर अटैक करे। दोस्तों आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1967 में इसराइल ने एक विशियस 6-डे वॉर लड़ा। इसमें इसराइल अरब वर्ल्ड के 5 पावरफुल कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक के सामने अकेला खड़ा था। इन 5 पावरफुल कंट्रीज की सुपीरियर मिलिट्री इसराइल के अगेंस्ट अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ रही थी लेकिन उसके बावजूद इसराइल की इसमें जीत हुई। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसराइल की मिलिट्री के पास सरप्राइज, स्पीड, फिरोसिटी और डिसेप्शन, ये चारों एलिमेंट्स थे जो किसी भी वॉर को जीतने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के केस में कहीं ना कहीं ये सभी एलिमेंट्स मिसिंग थे। खैर अपनी गलती को सुधारते हुए इंडियन स्ट्रेटजिस्ट ने इस 6-डे वॉर में इसराइल की स्ट्रेटजी से बहुत से लेसन्स अडॉप्ट किए और इसी के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। सुंदरजी डॉक्ट्रिन मैसिव रिटेलिएशन की बात करती थी जबकि कोल्ड स्टार्ट एनिमी की टेरिटरी के कुछ हिस्सों को कैप्चर करने पर जोर देती थी। ये एक तरह की बाइट एंड होल्ड स्ट्रेटजी है जिसे पोस्ट वॉर नेगोशिएशंस में पाकिस्तान से कंसेशंस गेन किए जा सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट में 8 स्ट्राइक कोर्स हैं लेकिन ये इंडो पाक बॉर्डर एरियाज पर इस तरह प्लेस किए गए हैं जिससे वॉर की सिचुएशन में ये 8 डिफरेंट सेक्टर्स में एक साथ पाकिस्तान के होल्डिंग कोर को ओवरटेक कर सकें। इसमें 3 के बजाय 8 स्ट्राइक कोर हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की फॉर्म में ये 8 स्ट्राइक कोर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरटेक करने के लिए डिप्लॉय की जाएंगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 3 कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये एक ब्रिगेड से बड़े और डिवीजन से छोटे होते हैं जिनको आर्मी के मेजर जनरल द्वारा लीड किया जाता है। इन IBGs में 4 बटालियन इन्फेंट्री की, 1 बटालियन हैवी और फास्ट मूविंग आर्मर की और 1 बटालियन आर्टिलरी की होती है। यानी ये IBGs
पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ तब तक लगातार एंगेज करेंगे जब तक इंडिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते। इस डॉक्ट्रिन का मकसद इंडिया की स्ट्राइक कैपेसिटी को इस लेवल पर बिल्ड करना था जिससे वो 21 दिनों के बजाय 48 आवर्स में पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेश्ड वॉर के लिए तैयार हो सके, जिसको 12 से 48 घंटों के बीच कहीं भी डिप्लॉय किया जा सके। इसको पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इनविजन किया गया। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये डॉक्ट्रिन एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है। इसमें इंडिया की कन्वेंशनल फोर्सेस यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ अनकन्वेंशनल फोर्सेस यानी साइबर सिक्योरिटी फोर्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फोर्स, सैटेलाइट और स्पेस कम्युनिटी सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये स्ट्रेटजी स्पीड, सरप्राइज, ओवरवेलमिंग फायर पावर और सुपीरियर प्लानिंग से लैस है। ये पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को सीवियर प्रेशर के अंडर लाकर खड़ा कर सकती है। उनके वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिसरप्ट कर देना ही इस स्ट्रेटजी का मेन मकसद है। आपको बता दें कि इन सभी पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए 2004 से 2014 तक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास 10 मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर चुका है। हालांकि कई पॉलिटिकल लीडर्स इस डॉक्ट्रिन के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, लेकिन फॉर्मर आर्मी चीफ और CDS जनरल विपिन रावत जी ने इसके एग्जिस्टेंस को कई बार हिंट किया है। यहां तक कि उन्होंने अपने CDS के टेन्योर में भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। हालांकि आज जनरल विपिन रावत तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इनविजन की गई IBGs पर काम पूरी तरह जारी है। आइए अब चलते हैं इंडियन नेवी की ओर, जिसका मोटो है सम नो वरुणा यानी मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। दोस्तों, इंडियन नेवी की मिलिट्री स्ट्रेटजी 19th सेंचुरी US नेवल ऑफिसर अल्फ्रेड महान और ब्रिटिश नेवल हिस्टोरियन सर जूलियन कॉर्बेट से इंस्पायर्ड रही है। महान के मुताबिक ग्रेट पावर्स के इंपॉर्टेंट मैरीटाइम इंटरेस्ट होते हैं और अपने उन इंटरेस्ट को उन्हें अपने राइवल से हर हाल में बचाना चाहिए। अमेरिका के केस में ये इंटरेस्ट ग्लोबल थे, लेकिन इंडियन नेवलिस्ट ने कभी भी इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट के स्कोप को ग्लोबल नहीं रखा। इंडिया ने महान के कुछ दूसरे एलिमेंट्स को इंटरनलाइज किया। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन ओशन को डोमिनेट करना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का की एलिमेंट रहा। इतिहास में एक लंबे समय तक इंडियन नेवल स्ट्रेटजी को इंडियन ओशन में केवल पाकिस्तानी नेवी के अगेंस्ट डिप्लॉय किया, लेकिन 1971 के बाद इंडियन ओशन में US नेवी के इंसर्शंस ने इंडिया की नेवल स्ट्रेटजी को कॉम्प्लिकेट कर दिया। किंतु उसके बावजूद इस पूरी स्ट्रेटजी में महानियन एलिमेंट अभी भी इंटैक्ट रहा। महानियन लॉजिक के अकॉर्डिंग इंडिया एक ग्रेट पावर है और उसको अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को अपने राइवल से सिक्योर करना ही होगा, लेकिन रिसेंट ईयर में चाइना के एक्सपेंशन के चलते महानियन लॉजिक पर बेस्ड नेवल स्ट्रेटजी ने इंडियन इंटरेस्ट को ज्यादा सूट नहीं किया। ऐसे में इंडियन नेवलिस्ट महान के बजाय एक दूसरे सी थ्योरिस्ट सर जूलियन कॉर्बेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। कॉर्बेट कहते हैं कि मैरीटाइम स्ट्रेटजी को हमेशा देश के स्पेसिफिक पॉलिटिकल गोल्स, थ्रेट्स और रियलिटीज के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। आज जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि इंडियन नेवल फोर्सेस पाकिस्तान की नेवी का सफाया कर सकती हैं, लेकिन चाइना के केस में ऐसा कहना काफी मुश्किल है। यानी आज की स्ट्रेटजिक रियलिटी हमें यही बताती है कि इंडियन नेवी चाइनीज फ्लीट को इंडियन ओशन से एक सिंगल डिसीजिव बैटल में हराकर इंडियन ओशन में अपनी कमांड स्टैब्लिश नहीं कर सकती है। इसी रियलिटी की बढ़ती रियलाइजेशन इंडियन नेवल सर्कल्स में महान के बजाय कॉर्बेटिन एरा को पुश कर रही है। इस स्ट्रेटजी के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला इंडिया की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना और दूसरा इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड रूट को सिक्योर करना। अब इंडिया के इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर दो तरह के थ्रेट्स मंडराते हैं। पहला है नॉन ट्रेडिशनल, जिसमें पायरेसी, इलीगल फिशिंग और अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल हैं, जबकि दूसरे हैं ट्रेडिशनल थ्रेट्स, जिनको ऑर्गेनाइज मिलिट्री कैपेबिलिटी और ह्यूज रिसोर्सेज वाले स्टेट्स जैसे कि चाइना के द्वारा इम्पोज किया जाता है। और जैसा कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चाइना दो तरीके से इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट के ऊपर थ्रेट पोज करता है। पहला है चाइना की ग्रोइंग सी डिनायल कैपेबिलिटीज, जिसके तहत वो इंडियन ओशन में मौजूद कई मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बाबल मंदेब, सुंदा और लोंबोक स्ट्रेट्स पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाकर इंडिया के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को थ्रेटन कर सकता है। और दूसरा थ्रेट इंडिया को इस रीजन के उन कंट्रीज से आता है जो एक के बाद एक चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्बिट में फंसते जा रहे हैं। ये उसके बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एक अहम स्ट्रेटजी है। यहाँ चाइना इन स्टेट्स को इंडिया से दूर ले जाने के साथ साथ रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सकता है। तो इन सभी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऐसी कॉर्बेटियन मैरीटाइम स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिसके चार मेन मिशंस हैं। इसमें सबसे पहला है सी कंट्रोल। ये डिफेंसिव पोस्चर इंडिया की सभी मैरीटाइम स्ट्रेटजी का बेस है।
ये स्ट्रेटजी इंडिया और उसके फ्रेंडली नेवल फोर्सेस के लिए इंडियन ओशन में टेम्परेरी और लोकल कमांड को स्ट्रेस करती है, जिससे कमर्शियल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए मैरिटाइम कम्युनिकेशंस एंश्योर किए जा सकें। लेकिन दोस्तों, सी कंट्रोल स्ट्रेटजी खुद में कोई एंड नहीं है, ये एक इनेबलिंग स्ट्रेटजी है। ये उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्शन इनेबल करती है जो उसके हकदार हैं, लेकिन उनको डिनाई करती है जिनको उसका राइट नहीं है। इसके बाद हमारा दूसरा पिलर है सी डिनायल। जैसा कि हमने अंडमान एंड निकोबार वाले वीडियो में भी देखा था कि ये एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है। इसके अंतर्गत एक कंट्री स्पेसिफिक रीजन में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपने एनिमी की नेवल फोर्सेस की एबिलिटी को डिग्रेड करके अपने आसपास के वाटर का एक्सेस डिनाई करने की कोशिश करती है। यह ऑपरेशनल लेवल्स पर एनिमी का फ्रीडम ऑफ एक्शन को हिंडर करती है और स्ट्रेटजिक लेवल पर ये SLOCs को ब्लॉक करके एनिमी वॉर वेजिंग एबिलिटी को वीकन कर देती है। हमारा तीसरा पिलर है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी SLOCs का प्रोटेक्शन। ये की एरियाज में सी कंट्रोल गेन करके इंडिया की शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। साथ ही इसके तहत इंडिया एनिमी के सी रूट्स को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकता है। इस स्ट्रेटजी का एग्जांपल हमें इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी और डबल हुक स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है। इनको डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके आप अंडमान एंड निकोबार वाली वीडियो को देख सकते हैं। खैर, इसके बाद हमारा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डिप्लोमेसी। किसी भी कंट्री की नेवल स्ट्रेटजी में डिप्लोमेसी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक ऐसी मैरीटाइम डिप्लोमेसी परस्यू की है जो चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस को काउंटर करने के साथ साथ इंडिया की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी स्ट्रेंथन कर रही है। इसके तहत इंडिया इस रीजन में लाइक माइंडेड पावर्स जैसे कि USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए कई सॉलिड स्टेप्स लेता है। उदाहरण के लिए क्वाड को एक्सपैंड कर क्वाड प्लस को फॉर्मुलेट करने की बात की जा रही है, जिसमें साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड जैसे इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने हाल ही में दो सिग्निफिकेंट मिलिट्री पैक्ट्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट और डिफेंस साइंस एंड टेक इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट साइन किए हैं। इस रीजन में स्ट्रेटजिक पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने दो ट्रेडिशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी प्लान किए हैं। इसमें पहला यानी इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग सितंबर 2020 में हुआ था और दूसरा इंडिया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच प्लान किया जा रहा है। कुल मिलाकर इंडिया की मैरिटाइम स्ट्रेटजी एक कैलकुलेटेड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है जो इंडिया के ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को बखूबी टारगेट कर रही है। आइए अब बढ़ते हैं एयरफोर्स की ओर, जिसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। आपको बता दें कि IAF लगभग 1500 एयरक्राफ्ट के साथ वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स होने के साथ साथ वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट एयरफोर्सेज में से एक है। 1932 में अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बाद IAF तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान रेगुलर कन्वेंशनल वॉरफेयर से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन तक IAF हर पॉसिबल वॉरफेयर में परफॉर्म कर चुकी है। इसने शुरुआत से अपने दो मास्टर्स को सर्व किया है, जिसमें पहला है इंडियन आर्मी और दूसरा न्यूक्लियर डिटेरेंस। ये फोर्स इंडिया के स्ट्रेटजिक एनवायरमेंट के लिए कितनी क्रूशल रही है, इसके लिए आइए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। तो दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया कई लो इंटेंसिटी क्लैशेस के साथ साथ 5 हाई इंटेंसिटी वॉर्स लड़ चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी वॉर्स में से इंडिया केवल 1962 के इंडो चाइना वॉर में हारा है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि केवल यही वो कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें इंडिया की एयर पावर यूज नहीं की गई थी। यानी बाकी सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया ने अपनी एयर पावर के जरिए सभी टाइड्स को अपने फेवर में टर्न किया है। दोस्तों, बाकी दो फोर्सेस की तरह इंडियन एयरफोर्स ने भी पिछले कुछ दशकों में बदले एनवायरनमेंट के साथ अपनी रूपरेखा में बदलाव किया है, किंतु इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होने के बावजूद IAF के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन और बैलेंस्ड फोर्स स्ट्रक्चर का अभाव रहा है। लेकिन जो काम 50 सालों का एक्सपीरियंस नहीं कर सका वो 1999 में हुए कारगिल वॉर ने कर दिखाया। कारगिल वॉर के साथ साथ 9/11 और चाइना के एक्सपेंशन ने इंडिया को उसकी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को उसके बॉर्डर्स और टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड एक्सपैंड करने के लिए पुश किया है। कारगिल वॉर ने इंडिया को ये रियलाइज कराया है कि भले ही इस वॉर में इंडिया ने बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर सफर किए, जिसकी वजह से एक लैंड बेस्ड काउंटर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एयर पावर की बदौलत वो इस वॉर में अपने एनिमी को क्रश करते हुए अपनी विक्ट्री को एंश्योर कर पाया है। इसी के चलते 2012 में पब्लिश की गई IAF डॉक्ट्रिन ने एयर पावर को एक्सपैंड करना केवल एक ऑफेंसिव टूल ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक टूल बताया है। IAF की 2012 की रिवॉल्यूशनरी डॉक्ट्रिन ने नेशन बिल्डिंग,
एरियल डिप्लोमेसी और स्पेस की स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने में आईएफ के रोल को एम्फसाइज किया है। ये डॉक्ट्रिन मैरीटाइम डोमेन में भी आईएफ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन और स्ट्रेंथन करती है। इसी के साथ साथ ये एयरफोर्स के कॉम्बैट ट्रांसपोर्ट और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम स्पेस बेस्ड सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करने की बात करती है। इसी के तहत आईएएफ ने पिछले कुछ सालों में अपने रोबस्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है। हालांकि इसकी शुरुआत थोड़ी लेट जरूर हुई, लेकिन आज आईएएफ का मॉडर्नाइजेशन इसको एक फोर्स मल्टीप्लायर में तब्दील कर रहा है। आज आईएएफ ने खुद को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एयरफोर्स में तब्दील किया है। दोस्तों, अपने सेमिनल वर्क ऑन वॉर में एंशिएंट वॉर स्कॉलर क्लॉजविट्स कहते हैं, वॉर इज दस मोर देन अ मेयर कैमिलियन बिकॉज इट चेंजेस इट्स नेचर टू सम एक्सटेंट इन ईच कॉन्क्रीट केस। यानी कुल मिलाकर वॉर गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। वो कहते हैं कि भले ही वॉर का नेचर लगभग सेम रहे, लेकिन इसका कैरेक्टर हर वॉर के साथ बदलता है, और वॉर का ये चेंजिंग कैरेक्टर प्रेजेंट एरा से ज्यादा तो और कहीं भी विटनेस नहीं किया गया है। इसीलिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए इन डॉक्ट्रिन्स को समय समय पर अपग्रेड करना और हमारे लिए उनके बदलते नेचर को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजीज और अलग अलग डॉक्ट्रिन्स की। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ द अग्निपथ स्कीम विल कॉन्ट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।